हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिशे इंस्टीट्यूट। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन कंटिन्यू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड का। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन इसी चैप्टर से है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड से। तो इसमें मेन रिएक्शन खासकर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपका पूछ दिया जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल या फिर कैनिजारो। ये सब तो बहुत ही टाइम्स पूछा हुआ आपका डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इस टाइप से आ जाता है डायरेक्ट रिएक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग रिएक्शन। फर्स्ट कौन सा है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड का बात करेंगे, लेकिन ये कीटोन में भी अप्लाई होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कंडीशन क्या होता है, एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम एल्डिहाइड है तो अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे? तो देखिए जिस कार्बन पे CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड है, इसके बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके बाद वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इस बीटा वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में है क्या, इसका कुछ कंडीशन है। जब भी हम लेंगे दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, और दोनों सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, दोनों सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। और ये जब हम रिएक्शन कराएंगे तो डाइल्यूट NaOH मतलब डाइल्यूट बेस लेंगे, डाइल्यूट बेस लेंगे। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या देता है, प्रोडक्ट जो देता है बीटा पे हाइड्रोक्सी आएगा और एल्डोल कंडेंसेशन ये कहलाएगा। देखिए ये होता क्या है, CH3CHO मतलब दो ग्रुप मेरे पास है, CH3CHO प्लस CH3CHO मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, फोर है। चलिए अब फोर कार्बन को लिखिए, 1 2 3 4, एक CHO ग्रुप को यहां पे लिख दीजिए। सेकेंड क्या करना है, तो ये मेरा क्या हुआ अल्फा कार्बन, ये मेरा क्या हुआ बीटा कार्बन, बीटा वाले कार्बन के पास OH ग्रुप आता है, किसके पास, बीटा के पास। अब जो भी बॉन्ड बच गया, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड, तो अब जो बच गया वहां पे हाइड्रोजन दीजिए। तो देखिए यहां पे दो बॉन्ड ये बनाया है, तो एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये तीन बना चुका है, वन, यहां पे क्या होगा 1 2 3। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। यहां पे होता क्या, इसको एल्डोल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि प्रोडक्ट में एल्ड मतलब एल्डिहाइड मिल रहा है, ऑल मतलब एल्कोहल मिल रहा है, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, एल्डोल रिएक्शन। आप इसे हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां पे होता क्या है, तो देखिए ये मेरा क्या है फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद वाले कार्बन अल्फा, इसके बाद वाले कार्बन बीटा, ये अल्फा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होता है, सॉरी इसको आप हिट कर दीजिए, क्या करना है, हिट करना है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, तो OH हमेशा कौन सा चार्ज लेके जाता है, निगेटिव, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहां पर निगेटिव और ये क्या होगा पॉजिटिव, और H कौन सा चार्ज लेके जाता है पॉजिटिव, तो यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या करता है बॉन्ड बनाता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, CH3C, इसके पास एक हाइड्रोजन है H, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा CH और ये CHO। तो ये पूरा रिएक्शन मेरा क्या कहलाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए अगर आप यहां पर छोड़ते दिए एल्डोल रिएक्शन है, आप हिट कर दीजिए वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, तो ये मेरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है, जब भी हम लेंगे दो सेम मॉलिक्यूल लेंगे और मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और किन के प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH लिए हम। अब यहां पे आप इसका मैकेनिज्म पे जाते नहीं, तो इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे ध्यान दीजिए सेकेंड आता है, छोड़िए अब चलिए सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं, या आप जानना चाहते हैं ये कैसे बनता है तो वो भी देख सकते हैं। देखिए ये बनता कैसे है, फर्स्ट का ही बात करते हैं। चलिए एल्डोल CH3 डबल बॉन्ड ओ एच, दूसरा भी मॉलिक्यूल है CH3 डबल बॉन्ड ओ एच।
चलिए अब क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है, मतलब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालिए। चलिए इस सी एच थ्री को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए इसे हम लिख रहे हैं एच एच एच। तो यहां से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, इसे हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो यहां पे क्या है निगेटिव और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। फिर हम इस सी एच थ्री को एच 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 इस टाइप में हम लिख दें, ये यहां से एच प्लस लेके जाएगा, मतलब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे निगेटिव यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव इस ओ निगेटिव के पास जाएगा और इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव है इस कार्बन से कनेक्ट होगा। तो देखिए होता क्या है, हम इस मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं, यहां पे मेरा सी एच थ्री है, इसको लिख दे रहे सी एच थ्री, सी के साथ एक एच है, यहां पे एच लिखे, यहां पे क्या आएगा ओ, और ओ के पास ये एच जाता है एच, यहां पे प्लस है, प्लस के साथ ये कार्बन कनेक्ट होगा तो ये क्या होगा सी, और इसके पास दो हाइड्रोजन है एच एच, और इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ एल्डिहाइड ग्रुप तो सी एच ओ। यही रिएक्शन मेरा क्या कहलाता है एल्डोल रिएक्शन। तो ये क्या हुआ अल्फा और बीटा, पहचान क्या है बीटा पे ओएच ग्रुप आएगा बीटा हाइड्रोक्सी, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा बीटा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है फोर कार्बन तो ब्यूटानल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ये नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 4 थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अब आपको इसे क्या करना है, इसे आप हिट कर दीजिए, जब हिट कर देंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चल जाता है, कहां से अल्फा बीटा से, हमेशा ध्यान रखिएगा बीटा से ओएच जाएगा और एच कहां से जाएगा अल्फा से, तो ये प्रोडक्ट क्या देगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ। तो यही मेरा रिएक्शन क्या कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक टाइप है। यहां पे क्या है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हम लेंगे, टू डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे। देखिए हम बार बार बोलिए कीटोन में भी होता है, लेकिन यहां पे हम कीटोल का बात नहीं कर रहे, एल्डोल का बात कर रहे, इसलिए हम एल्डिहाइड ले रहे हैं टू डिफरेंट। तो चलिए टू डिफरेंट आप लीजिए, एक आप यहां पे बेटर आप रिजल्ट तभी दे सकते हैं जब एक एल्डिहाइड ऐसा लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और दूसरा एल्डिहाइड लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब जब एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा तो क्रॉस एल्डोल में क्या किया है, वहां पे दो एल्डिहाइड लिया है टू दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो मिक्सर प्रोडक्ट देता है टोटल फोर प्रोडक्ट। क्या हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, चलिए हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को समझते हैं। चलिए हम एक एल्डिहाइड ले रहे हैं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है मिथेनॉल है, और एक आप इथेनॉल लीजिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, देखिए ये मेरा क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, ये मेरा क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके पास नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं है, तो इसके पास नेक्स्ट कार्बन है मतलब जिसके पास नेक्स्ट कार्बन है वहीं पे ये कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन है यही हाइड्रोजन क्या कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो जब भी रिमूव होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब यहाँ पे हम क्या करें यहाँ से हम एच को निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा H H H H कौन सा चार्ज लेके जाता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इधर शिफ्ट होता है तो यहां पे क्या होगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। अगर आप यहां से एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन में शिफ्ट करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कि हम इस कार्बन से इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकालें और इसी मॉलिक्यूल में OH को हम शिफ्ट करेंगे, नहीं, एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन लीजिए और दूसरे मॉलिक्यूल पे कार्बोनिल ग्रुप पे CO पे काम कीजिए, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव। किनके प्रेजेंस में हो रहा है डाइल्यूट NaOH मतलब डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। चलिए हम इस मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं एच सी, यहां पे क्या आएगा OH आएगा, इसके पास एच है। अब इस कार्बन पॉजिटिव, यहां पे कार्बन पे क्या आया नेगेटिव, तो ये कार्बन कनेक्ट होगा और इस कार्बन देखिए एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन दिए और ये देखिए सी एच ओ ग्रुप यहां पे कनेक्ट है, तो ये मेरा क्या हुआ यहां पे भी देखिए बीटा पे ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, दोनों में फर्क यह है कि एल्डोल में दोनों ग्रुप सेम था, टू मॉलिक्यूल जब भी हम लेंगे दोनों सेम होगा, और क्रॉस एल्डोल में टू डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप या टू डिफरेंट कीटोन ग्रुप होगा। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, क्यों, क्योंकि दोनों मेरा डिफरेंट है। सिंपल आप इसे हिट कर दीजिए,
किनके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में हिट करते हैं तो बीटा से क्या जाता है OH और अल्फा से H, तो ये मॉलिक्यूल मेरा बाहर जाएगा OH और H, OH नेगेटिव, देखिए ये नेगेटिव लेके जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। H कौन सा चार्ज लेके जाता है? पॉजिटिव, मतलब ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और OH और H क्या मिलके बनता है? वाटर बनता है, और प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बनेगा, तो देखिए क्या होगा H, इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं CH2, दो हाइड्रोजन एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड CH CHO, और प्लस क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, तो ये क्या हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां तक क्या था? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, और अगर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिए तो क्या होगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यही दोनों में फर्क होता है थोड़ा, एल्डोल में और क्रॉस एल्डोल में। तो एल्डोल रिएक्शन क्या था? जब हम टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, और क्रॉस एल्डोल क्या था? जब हम टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, मेरा क्या है? केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन एल्डोल जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है थोड़ा सा समझिए। ये मेरा क्या है? OH, ये मेरा मिथेनल है। केनिजारो रिएक्शन में एल्डोल रिएक्शन ही होता है, लेकिन यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डोल या क्रॉस एल्डोल का फर्स्ट कंडीशन क्या था? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे भी हम टू मॉलिक्यूल लेंगे, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, ये जो होता है कंसंट्रेटेड NOH, मतलब कंसंट्रेटेड बेस में होता है। आप कैसे याद रखिएगा? देखिए सी से मेरा केनिजारो है, सी से मेरा कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन NOH के प्रेजेंस में। उसके बाद क्या है, हम डाइल्यूट ले रहे थे वहां पे, किसमें? एल्डोल में, तो डी से एल्डोल, यहां पे डी है, आप डाइल्यूट बोल सकते हैं उसको। तो इस टाइप से दोनों में डिफरेंस है। तो केनिजारो मेरा क्या होगा? टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, जिसमें क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। किनके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड NOH के प्रेजेंस में। और एल्डोल में क्या होता था? दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होता था। यहां दो मॉलिक्यूल अलग अलग प्रोडक्ट देगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन यहां पे होता है। जब रिड्यूस होगा तो एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है, CH3OH, इसी पे आएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, HC डबल बॉन्ड O, यहां पे Na लिए, यहां पे Na। इस मॉलिक्यूल को आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए वाटर से। हाइड्रोलाइसिस मतलब अभी बता रहे क्या? H+OH-, तो यहां से ये ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव के पास H+ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा, यहां पे क्या बनता है? HC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहां पे बाहर क्या चल जाएगा? NaOH। तो इस टाइप से केनिजारो रिएक्शन में टू एल्डिहाइड ग्रुप टू डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, एक एल्कोहल देता है और दूसरा क्या देता है? एसिड देता है। रिड्यूस होता है तो एल्कोहल बनेगा, और ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोजिलिक एसिड बनेगा। तो ये मेरा क्या रिएक्शन है? केनिजारो रिएक्शन। इसी में आपका दूसरी स्टेप से आप समझ सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड देखिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, यहां पे क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, मतलब CHO ग्रुप। अब देखिए इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट है, तो ये मेरा क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। ये मेरा बीटा कार्बन होगा, ये मेरा बीटा कार्बन होगा। तो देखिए अल्फा कार्बन में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप यहां पे देखिएगा तो एक कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन और एक चार, मतलब यहां पे हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास। तो ये किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? केनिजारो रिएक्शन में, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं है। ये एल्डोल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एल्डोल में कंडीशन क्या था? अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो चलिए ये मेरा क्या हुआ? बेंजल्डिहाइड। इसको किनके प्रेजेंस में? केनिजारो सी से, तो किसमें? कंसंट्रेटेड NaOH। तो हम क्या बोले, एक प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो ये मेरा अल्कोहल बनेगा CH2OH, और एक प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड बनता है। तो ये एसिड होगा C डबल O, यहां पे Na लिया, यहां पे क्या आता है? Na आता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस टाइप से डिफरेंट है केनिजारो एल्डोल रिएक्शन से। तो ये मेरा कैसा रिएक्शन हुआ? केनिजारो रिएक्शन। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन है क्या? आइए फोर्थ रिएक्शन पे। तो देखिए स्टेफन रिडक्शन,
स्टेफन रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये जो रिडक्शन होता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब साइनाइड में होता है, किससे रिएक्शन करता है, एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट देता है यहाँ पे आर सी एक एच यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड एन एच, इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर से तो ये बनता है एल्डिहाइड आर सी एच ओ प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चल जाता है NH3। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। तो स्टेफन रिडक्शन में साइनाइड ग्रुप, ये देखिए होता क्या, ये SnCl2 और HCl, यहाँ पे ध्यान दीजिए SnCl2 और 2 मॉलिक्यूल HCl बनता है, ये जब होता है ये बनता है SnCl4 प्लस H2 मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन आता है और ये दो हाइड्रोजन इस ग्रुप पे अटैक करता है। देखिए ये बनता कैसे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, आप इधर शिफ्ट कर दीजिए नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, अब ये H2 यहाँ से कनेक्ट होता है, क्या होता है H2, H2 किस में ब्रेक होगा, H प्लस और H माइनस में, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव H यहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव है ये H यहाँ पे जाएगा, तो देखिए क्या प्रोडक्ट देता है आर सी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक एच आता है डबल बॉन्ड एन एच, समझ पा रहे हैं, तो ये एच टी मोलिक्यूल। अब हम इसे हम यहाँ पे क्या किए हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे हम इसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं एच टू, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, एच प्लस और ओ एच माइनस, तो फिर से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या जाएगा ओ एच जाएगा, जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा एच आएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट देगा आर सी, अब सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे दो एच आ जाएगा ओ एच आएगा एक ओ एच और इसके पास एच है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एच टू होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा टू मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेते हैं तो फिर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर से इधर शिफ्ट करेगा यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या आएगा एन एच थ्री आएगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा ओ एच आएगा और दो ओ एच ग्रुप सेम कार्बन पे अनस्टेबल होता है तो दो ओ एच ग्रुप यहां से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ओ एच कौन सा चार्ज लेके जाता है नेगेटिव चार्ज तो ये नेगेटिव होगा, एच कौन सा चार्ज लेके जाएगा पॉजिटिव तो यहां पे क्या हुआ नेगेटिव, जब ये नेगेटिव लेके गया तो यहां पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाता है और यहां पे ये क्या होगा बॉन्ड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा आर डबल बॉन्ड ओ एच और ये ओ एच ये एच मिलके यहाँ पे क्या बनाता है वाटर बनाता है, यही ग्रुप हम यहाँ पे बनाए। तो इस टाइप से ये स्टेफन रिडक्शन में होता है। चलिए फिफ्थ क्या है वॉल्फ किशनर रिडक्शन और सिक्स क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए दोनों में रिडक्शन हो रहा है, दोनों ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पे काम करता है मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पे, फिफ्थ मतलब वॉल्फ किशनर भी और सिक्स क्लेमेंसन रिडक्शन भी, दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले रिडक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, तो देखिए सी डबल बॉन्ड जहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है साइड प्रोडक्ट कुछ भी डजंट मैटर। तो वॉल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं NH2 लेते हैं और सेकेंड केओएस से कराते हैं और क्लेमेंसन रिडक्शन में जो हम लेते हैं कैटलिस्ट लेते हैं जिंक अमलगम होता है, जब पारा के साथ कोई एक मेटल होता है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं तो जिंक लिए तो जिंक अमलगम। तो इस टाइप में दोनों में सेम प्रोडक्ट दे रहा है रिडक्शन हो रहा है लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग है इसलिए अलग नाम दिया गया है, जब NH2 हाइड्रोजन ले रहे हैं क्या नाम है वॉल्फ किशनर और जिंक अमलगम ले रहे तो क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसे मान लीजिए इस टाइप से कोई एग्जाम्पल है CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे आप लीजिए NH2 फर्स्ट रिएक्शन सेकंड किससे कराना है KOH से, तो ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वहां पे क्या आएगा H2 आएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3CH यहाँ पे पहले से डबल हो जाएगा तो HH। तो ये किसका एग्जांपल हुआ वॉल किशनर रिडक्शन का, मतलब डबल बॉन्ड सी डबल ओ बॉन्ड को रिड्यूस करके वहां पे जहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है उस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऐड कर देना है। इसी टाइप से मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, चलिए मान लीजिए यहां पे कीटोन रहता है CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3, चलिए तो इसको कैसे बनाते हैं, यहां पे हम जिंक अमलगम लेंगे ZnHg, तो देखिए क्या देगा
CH3, C इस डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएगा, HH CH3। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन हुआ? क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए सेवन नंबर पे है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन है क्या? इटार्ड रिएक्शन है जब टॉलबीन क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो ये प्रोडक्ट देता है बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे क्या आएगा? CHO आएगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस एक पार्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हैं, CH2 के प्रेजेंस में एक पार्टिकुलर है, इसलिए एक अलग नाम दिया गया है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको याद रखना होगा किससे रिएक्शन करा रहे हैं, किनके प्रेजेंस में करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? एट नंबर पे गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में भी एल्डिहाइड ही बनता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन, इसे आप रिएक्शन करा दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तब जो मेरा प्रोडक्ट देगा यहां पे आएगा CHO, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गटरमैन कोच रिएक्शन। कैसे याद कर सकते हैं? बेंजीन को गटरमैन ने कोचिंग दिया, यहां पे क्या हुआ? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। कोच क्या है यहां पे? कोच। तो को से आप याद रख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में, तब जो मेरा प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? बेंजल्डिहाइड मिला। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए ये सब जो रिएक्शन है मेनली अलग अलग कैटलिस्ट और अलग अलग के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे, इसलिए अलग अलग नाम है, लेकिन प्रोडक्ट सब में क्या बन रहा? मेरा एल्डिहाइड ही बन रहा है। तो ये मेरा कौन सा था? इटार्ड रिएक्शन, मतलब सेवन। अब आ जाइए आप, सॉरी ये एट नंबर था गटरमैन कोच रिएक्शन। आ जाइए नाइन पे, तो नाइन में भी वही मेरा प्रोडक्ट है, ये एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, किसके प्रेजेंस में? यहां पे होता है पीडी बी ए एसओ फोर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंडर कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडर कैटलिस्ट। अब यहां पे क्या होता है? Cl यहां से हट जाता है, C डबल बॉन्ड के साथ क्या आता है? H आता है। तो देखिए यहां पे भी आपका बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है, C डबल बॉन्ड O H। तो एसाइल क्लोराइड से यहां पे क्या बना? बेंजल्डिहाइड बना। किनके प्रेजेंस में? लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दिए? एक नया नाम दिए, रोजेनमैन रिएक्शन। यहां पे भी रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड ही बन रहा है, लेकिन अलग अलग के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और अलग अलग से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोजेनमैन रिएक्शन। चलिए टेन हम लोग देखते हैं, हेल्वोर्ड रिएक्शन। इसे हम HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं, HBZ। पूरा इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम होता है हेल्वोर्ड जेनकेलिस्टीन रिएक्शन। चलिए इसमें होता क्या है? इस रिएक्शन को होने के लिए आपके पास भी पार्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, CH3 C यहां पे एल्डिहाइड लीजिए, CHO, इसके पास HH, तो क्या बोले? जस्ट बगल वाला कार्बन ये क्या होता है? अल्फा। और ये मेरा क्या होता है? बीटा। तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। इसका जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट H2 जो हेलोजन ग्रुप ऐड करना है, किनके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। इसके बाद अब यहां पे जो आपको प्रोडक्ट देगा, अल्फा हाइड्रोजन से H हटेगा और यहां पे क्या आएगा? X ग्रुप आएगा। तो यहां पे क्या होगा? CH3 HCHO और यहां पे क्या आएगा? X ग्रुप आएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? HBZ रिएक्शन। सेकेंड यहां पर होता है H2O, मान लीजिए वाटर। तो यहां पे पार्टिकुलर कंडीशन क्या है हेल्वोर्ड रिएक्शन के लिए? पहला तो कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और यहां पे एक्स ग्रुप आएगा। फर्दर आप इसे रिएक्शन कराइएगा, यहां पे देखिए अल्फा के पास एक और हाइड्रोजन है, फर्दर यहां पे एच हटेगा और यहां पे एक और एक्स आएगा। यहां पे एक्स क्या होता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। याद कीजिए हम बोले थे जब भी फ्लोरीन आएगा एक स्पेशल रिएक्शन लेकर आएगा, आयोडीन बहुत पीछे, इसलिए उन दोनों का बात नहीं करते हैं, मेनली एक्स किसका? क्लोरीन और ब्रोमीन का बात करते हैं। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन हुआ? हेल्वोर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन।
चलिए कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन जो आपका है, ये रिएक्शन आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसको डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, आर सी डबल बॉन्ड एन ए रिएक्ट करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये 3:1 के रेशियो में रहता है। यहां पे क्या होता है, ये R और ये H आके कनेक्ट होता है, ये बनता है RH प्लस NaO, यहां से ब्रेक होता है NaO और यहां से NaCO3 मिलके बनता है Na2CO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है किस कन्वर्जन में यूज करने के नजरिए से, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, देखिए जो आपका फर्स्ट में कार्बन होगा प्रोडक्ट में आपका एक लेस कार्बन मिल रहा है, देखिए एक कार्बन यहां पे चला गया। एग्जांपल से आप इसे समझिए, चलिए CH3CH2C डबल बॉन्ड Na, आप इसे रिएक्शन कराइए NaOH और CaO, तो यहां पे देखिए 1, 2, 3 कार्बन है, तो ये यहां से हट जाए, ये H इस कार्बन से आके कनेक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या देगा CH3CH2 और एक H आएगा यहां पे H, तो ये क्या होगा CH3CH3 प्लस ये NaO और ये सारा मिलके क्या बनाएगा Na2CO3। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहां पे जितना आपका रिएक्टेंट में का नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उससे वन लेस कार्बन मिलेगा आपको प्रोडक्ट में। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड का नेमिंग रिएक्शन, फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेमिंग रिएक्शन किसका, एमीन का। चलिए, थैंक यू।